गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ तरुणपाल गांधी। आप सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो सीरीज़ लाइब्रेरियन इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। बहुत दिनों से बहुत सारे मेरे जानकार जो प्रोफेशनल्स हैं उनके मेरे पास फ़ोन आए, उन्होंने कहा कि कुछ प्रिपरेशन इंटरव्यू की हमें करनी है केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए। तो उसके लिए अगर आप अपने सजेशंस हमें दे सकें, आप बता सकें कि किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से हम प्रिपेयर करके इंटरव्यू के अंदर अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, तो मैंने उन्हीं अपने फ्रेंड्स के लिए और हमारे जो प्रोफेशनल लाइब्रेरी साइंस के हैं उनके लिए एक वीडियो बनाई है। यहाँ पर कोशिश करेंगे कि एक एक करके एक एक क्वेश्चन को हम कवर करें कि किस क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछा गया है, पूछने का क्या मोटिव है और आपको किस तरीके से किस क्वेश्चन का आंसर देना है, ताकि आपके लिए बेनिफिशियल रहे, आपका जो इंटरव्यूअर है उसके ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन पड़े और आप अच्छे मार्क्स के साथ में इंटरव्यू के अंदर पास हो सके। तो आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत कुछ है जानने के लिए इस वीडियो के अंदर। और लाइब्रेरी इंटरव्यू प्रिपरेशन की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहले कोई भी इंटरव्यू हो, चाहे आप कैसा इंटरव्यू देने जा रहे हों, किसी भी तरीके का इंटरव्यू देने जा रहे हों, सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो वहाँ पर आपको क्या बताना है, कैसे बताना है, क्या चीज़ें आपको डिस्कस करनी है, क्या चीज़ें आपको डिस्कस नहीं करनी है, आज की इस पूरी वीडियो के अंदर हम इसी एक क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से देना है कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ये जो क्वेश्चन है बहुत ईजी तो आपको साउंड कर रहा होगा, लेकिन इतना ईजी क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन जो है ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस क्वेश्चन के अंदर आपसे एक्चुअल में क्या पूछा गया है और आपसे क्या चाह रहा है इंटरव्यूअर, वो जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो क्या हमें क्या बताना है, हमें क्या अपने बैकग्राउंड के बारे में बताना है, या फिर हमें वो सारी चीज़ें बतानी है जो हमारे रेज्यूमे के अंदर लिखी हुई हैं, या फिर हमें अपने आप को नॉर्मल एज ए पर्सन इंट्रोड्यूस करना है, एज ए प्रोफेशनल इंट्रोड्यूस नहीं करना, क्योंकि प्रोफेशनल चीज़ें तो सारी की सारी रेज्यूमे में लिखी हुई हैं, रेज्यूमे जो आप देते हैं वहाँ पर, करिकुलम वीटे, सीवी आप जो सबमिट करते हैं उसके अंदर आपकी सारी चीज़ें लिखी होती हैं। लेकिन जब आप कहीं पर इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो, तो ये ज़रूर आपको याद रखना है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप प्रिपेयर करके लेकर के जाओगे। यहाँ पर क्या होता है, जो केंद्रीय विद्यालय संगठन होता है वहाँ पर जो आपका इंटरव्यू लेने के लिए पैनल बैठता है, उस पैनल के अंदर हो सकता है एक असिस्टेंट कमिश्नर हो या कोई डिप्टी कमिश्नर हो, एक प्रिंसिपल 101% फॉर श्योर वहाँ पर आपको मिलेगा, एक प्रिंसिपल के साथ साथ वहाँ पे आपको एक लाइब्रेरी प्रोफेशनल मिलेगा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा, जो हो सकता है कई बार किसी यूनिवर्सिटी से किसी को बुला लेते हैं, किसी लेक्चरर को या फिर किसी प्रोफेसर को, और एक आपकी तरह ही जो केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर कार्यरत लाइब्रेरियन है वैसा ही एक बंदा वहाँ पर होगा जो आपके इंटरव्यू में वहाँ पर बैठा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि जो इंटरव्यू लेने वाले हैं, वो जो पैनल है, उसकी आपसे अलग अलग पर्सन की अलग अलग अपेक्षा होगी और आपको हर अपेक्षा पर वहाँ पर खरा उतरना है, हर एक बंदे को वहाँ पर आपने सेटिस्फाई करना है। आप सभी को सेटिस्फाई कर पाएंगे तो आप इंटरव्यू के अंदर अच्छे मार्क्स ले पाएंगे। तो अभी जो हमारी अपकमिंग स्लाइड्स हैं उसी के बारे में हम जानेंगे कि किस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर को फ्रेम किया जाए, किस तरीके से इस क्वेश्चन के आंसर को बना करके टेलर मेड करके एक अच्छे तरीके से सजा कर उनको दिया जाए। उससे पहले हमें जाननी है चार चीज़ें। सबसे पहले तो ये कि ये इंटरव्यूअर जो है ये क्वेश्चन पूछते क्यों हैं, क्या पर्पज़ है वहाँ पर, क्या वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, क्या आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, क्या आप वर्कलोड सह पाओगे, वर्कलोड को संभाल पाओगे या नहीं संभाल पाओगे, या फिर आप एक टीम के अंदर किस तरीके से काम कर पाओगे। बेसिकली वो आपकी मेंटेलिटी जानना चाहते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू, आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आप एज ए प्रोफेशनल क्या उनकी संस्था के अंदर फिट बैठते हो। तो ये फिटमेंट फैक्टर जो है उसके बारे में जानने के लिए वो जानना चाहते हैं आपके बारे में। और हम चार इंपॉर्टेंट स्टेप्स के अंदर ये डिस्कस करेंगे कि क्या है ये पर्पज़ इस क्वेश्चन का और इस क्वेश्चन के पर्पज़ को किस तरीके से हम रिजॉल्व करेंगे, किस तरीके से हमें आंसर देना है। सिंपल फॉर्मूला जो है उसका वो हम डिस्कस करने वाले हैं और चार असेंशियल टिप्स मैं आपको दूंगा जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं जब इस क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे होंगे तब। और दो कुछ सैंपल मैंने आंसर्स बनाए हैं एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के और स्टूडेंट्स जो हैं उनके, तो जो अभी अभी फ्रेशर्स आए हैं जिन्होंने अभी अभी अपना बैचलर्स डिग्री कंप्लीट की है वो किस तरीके से इसका आंसर करें, और जिनके पास में एक्सपीरियंस है वो किस तरीके से इसका आंसर करें, तो वो दो एक सैंपल बनाए हैं मैंने, उन सैंपल्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरव्यूअर ये क्वेश्चन पूछता क्यों है। देखिए, ये आपको हमेशा याद रखना है कि इंटरव्यू लेने वाला आपकी लाइफ स्टोरी के अंदर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। वो नहीं जानना चाहता आप कहाँ पैदा हुए, वो नहीं जानना चाहता आप गरीब घर से हो या अमीर घर से हो, वो आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। वो जानना चाहता क्या है, वो जानना चाहता है कि आप एज ए प्रोफेशनल कितने अच्छे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में रखें जब भी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं कि अपनी लाइफ स्टोरी को मत घुसाइए। कुछ लोग क्या करते हैं कि नहीं, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं बहुत गरीब घर से हूँ, मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। नहीं, ये सारी बातें आपको वहाँ इंटरव्यू में नहीं कहनी। आपको सिंपैथी वहाँ पर नहीं मिलेगी अगर आप सिंपैथी के लिए जा रहे हो तो। सिंपैथी आपको वहाँ पर ना तो मांगनी है ना वहाँ पर आपको कोई सिंपैथी देगा। तो आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि इंटरव्यूअर आपकी पर्सनल स्टोरी के अंदर, आपकी लाइफ स्टोरी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है। Rather, the question is a way for them to ease into the actual interview and get a general idea of what you are all about. आप कैसे हो, आपकी personality कैसी है, आप क्या काम कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, लोगों के साथ मिलकर रह पाओगे या नहीं रह पाओगे, आपके अंदर skills हैं या नहीं है, leadership quality है या नहीं है, communication skills हैं या नहीं है, आपकी skills वो वहाँ पर जाँचेंगे इसके थ्रू। आप अपने बारे में कितना ज़्यादा जानते हो, कितना अच्छे से जानते हो, ये वो जानना चाहते हैं। आपकी life story में वो interested नहीं है, तो ये आप ध्यान रखिएगा।
और ये आप इंट्रोडक्शन जो भी आप दोगे वहाँ पर अपने बारे में जो भी आप बताओगे, इंटरव्यूअर उसी से एक आइडिया लेगा कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, और आगे आने वाले सारे क्वेश्चन जो हैं ये आप ध्यान रखिएगा उसी के ऊपर बेस्ड होंगे। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छी आपके लिए कि आप पहले ही क्वेश्चन में क्या करें, इंटरव्यू को इस तरीके से मोड़ दें, क्योंकि देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस तरीके का इंटरव्यू दोगे आगे उसी तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर देना बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप अच्छे से दोगे तो आपको उसी दिशा में मोड़ दिया जाएगा सवालों को, और आपसे वही सवाल पूछे जाएंगे जो आप चाहते हो। तो ये एक अच्छा जो इंटरव्यू ही होता है उसको पता होता है कि मुझे क्या बोलना है, ताकि उसी से रिलेटेड फिर लगातार सवाल पूछे जाएँ, और अपने अकॉर्डिंग आप जो है बड़े ईजिली इंटरव्यू को अपने लेवल तक अपनी डायरेक्शन में मोड़ सकते हो कि आप कौन से क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करके लाए हो उस तरीके से। तो ये इंटरव्यू जो है आप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके नज़रिए से भी और इंटरव्यूअर के नज़रिए से भी, ठीक है। और अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर गलत तरीके से देते हो, या इस तरीके से देते हो जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, या फिर इस तरीके से देते हो अपनी लाइफ की स्टोरी, अपनी रामगाथा गाने लग जाते हो, तो वो एक गलत इंप्रेशन डालेगा और वो आपको एक ओके कैंडिडेट करके लेबल कर देंगे, और आपके बड़े एवरेज मार्क्स आएंगे या फिर बिलो एवरेज आपके मार्क्स आएंगे। तो सवाल यही उठता है आपकी, इस क्वेश्चन का आंसर हो तो क्या हो। आंसर में आपको तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको ऐड करनी है अपने उस आंसर के अंदर। पहले, ऑल द अचीवमेंट्स ऑफ योर्स इन द पास्ट इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस, जो भी आपकी अचीवमेंट रही है पास्ट में आपके प्रोफेशन से रिलेटेड, जिस प्रोफेशन के अंदर आप एंटर करने जा रहे हो, जिस भी चीज़ का आप इंटरव्यू देने जा रहे हो उससे रिलेटेड जो आपके एक्सपीरियंसेस रहे हैं, आपकी अचीवमेंट रही है, हो सकता है कॉलेज में कोई अचीवमेंट हो, आपने कोई गोल्ड मेडल लिया हो, या फिर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हो, या आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया हो, तो वो आपको वहाँ पर मेंशन करना है, आपकी अचीवमेंट मेंशन करनी है। या फिर अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपने काम करते हुए कुछ नया डेवलप किया हो, कुछ ऐसा काम किया हो जो आपको प्रॉब्लम्स आई हो, फेस की हो, आपने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हो अच्छे से अपना दिमाग लगा करके अपने टैलेंट से, तो वो आपको मेंशन करना है। उसके बाद में आप प्रेजेंट में अपने प्रोफेशन के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हो, क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो अपने प्रोफेशन के अंदर, वो आपको डिस्कस करना है। और लास्टली सबसे इंपॉर्टेंट कि आपका फ्यूचर प्लान क्या है आपके प्रोफेशन के लिए, आप फ्यूचर में क्या क्या करने वाले हो, क्या क्या चेंजेस लेकर के आप आ सकते हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आने के बाद, किस तरीके से आप पॉजिटिवली ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल साबित हो सकते हो, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन के आंसर के अंदर डालना। तो आपको ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है जब इस क्वेश्चन के आंसर को आप फ्रेम कर रहे होंगे, ड्राफ्ट कर रहे होंगे। वहाँ पर आपको सुपर स्पेसिफिक रहना है, कुछ भी ऐसे ही नहीं बोल देना ये, इस तरीके से आपको बात नहीं करनी। वहाँ पर कॉन्फिडेंट होकर के इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप प्रिपेयर करके जाइए। इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर बैकग्राउंड, जैसे कि मैंने आपको बताया आपकी स्टडीज़, लेकिन आपकी प्रोफेशनल स्टडीज़ की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, आपको अपने किंडरगार्टन से शुरू नहीं कर देना है कि नहीं मैं फर्स्ट क्लास में उस स्कूल में पढ़ता था, फिर मैंने टेंथ क्लास उस स्कूल से की, ट्वेल्थ उस स्कूल से की, नहीं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है वो इस बारे में जानने के लिए। वो इंटरेस्टेड है आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानने के लिए, जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप वहाँ जा रहे हो उस पोस्ट के लिए आपने क्या पढ़ाई की है उसके बारे में जानने के लिए वो इच्छुक हैं। हो सकता है आपने हायर स्टडीज़ की हो, आपने MLIS किया हो, या फिर हो सकता है आपने MLIS के बाद में कोई PGD लैंड किया हो, या फिर MPhil की हो, या PhD परस्यू कर रहे हो किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, तो आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी है अपने बैकग्राउंड में। उसके साथ में टॉप अचीवमेंट आपकी एज ए कैंडिडेट जो है आपको बेटर बनाती है जो बाकी लोग हैं उनसे, इसलिए आपको अपनी अचीवमेंट्स वहाँ पर ज़रूर मेंशन करनी है। आपकी अचीवमेंट में मैंने जैसे कि अभी पहले डिस्कस किया कि आपने कुछ ऐसा किया हो, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बनाया हो, कोई रिसर्च पेपर लिखा हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ आप कर रहे हो जो आपके प्रोफेशन को आगे बढ़ा सकती है, या फिर आपको प्रोफेशनली एक बेटर इंसान बना सकती है, या बाकी लोगों से बेटर दिखा सकती है, वो अचीवमेंट्स आपको वहाँ पर डिस्कस करनी है। और आपका जो इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट भी आप ये ध्यान रखिएगा इस तरीके का वहाँ पर आपको इंटरेस्ट बताना है जो आपके प्रोफेशन के लिए अच्छा हो, जो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए अच्छा हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी इंटरेस्ट वहाँ पर आप बताओ, जैसे कि कुछ बच्चे अपनी हॉबीज़ में बता देते हैं कि नहीं मुझे तो खेलना पसंद है, मुझे तो नाचना पसंद है, मुझे गाना पसंद है, तो किसी भी तरीके से ये चीज़ें कंट्रीब्यूट नहीं करने वाली हैं आपके प्रोफेशन में। एज ए लाइब्रेरियन आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो प्रोफेशन है उसके अंदर किस चीज़ की अहमियत ज़्यादा है। यहाँ पर सरल सी बात है, आप अपना लव फॉर बुक्स दिखाएं, कुछ बुक्स के नाम याद करके जाएं, कुछ बुक्स की स्टोरी याद करके जाएं, कुछ बुक्स के ऑथर याद करके जाएं, ताकि आप जब ये अपनी हॉबीज़ बताएं कि आई लव रीडिंग बुक्स, तो वो आपसे जब क्वेश्चन पुटअप करें कि विच इज़ द लास्ट बुक यू रेड, टाइटल ऑफ द लास्ट बुक यू रेड, या फिर ये पूछ सकते हैं कि ऑथर ऑफ द लास्ट बुक यू रेड, तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आप प्रिपेयर रहें। आप हो सकता है आपसे कुछ इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाएँ जो जनरल राइटर्स हैं उनके बारे में पूछ लिया जाए, मुंशी प्रेमचंद है उसके बारे में पूछ लिया जाए। ये क्वेश्चन का आंसर आपको अपने तरीके से देखो ड्राफ्ट करना है। यहाँ पे जो हॉबीज़ आप बताओगे उसी हॉबीज़ के अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू जो है वो घुमा दिया जाएगा। और हॉबीज़ जितनी हो सके अपने प्रोफेशन से रिलेटेड बताइए। आप ये बता सकते हैं कि आई लव राइटिंग पोएट्री, आप पोएम लिखना पसंद करते हो वो आप बता सकते हो, आप थिएटर में लिखना पसंद करते हो वो आप बता सकते हो, या थिएटर में पार्टिसिपेट करना पसंद करते हो, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवानी होती है केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर जब आप एक लाइब्रेरियन बन जाते हो, तो ये चीज़ें आप बता सकते हो, ये चीज़ें आप ऐड कर सकते हो। और ये एक बेस्ट आंसर हमने फॉर्म किया है कि क्या हो सकता है एज ए लाइब्रेरियन जब हम इंटरव्यू दे रहे होंगे। तो देखिए मैं पढ़ता हूँ सिंपली, मैंने ये लिखा है, माई नेम इज़ जयवीर सिंह एंड आई एम 27 ईयर्स ओल्ड। फॉर द पास्ट 5 ईयर्स आई हैव बीन वर्किंग एज लाइब्रेरियन इन जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल।
आई हैव अ कीन इंटरेस्ट इन रीडिंग बुक्स एंड गेटिंग न्यू नॉलेज फ्रॉम माई सराउंडिंग्स. दिस इज अ रीजन आई चोज लाइब्रेरी साइंस एज प्रोफेशन एंड डिड माई बैचलर्स डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एंड मास्टर्स फ्रॉम इग्नू. थ्रू आउट माई करियर आई हैव ऑब्जर्व्ड दैट आई एम गेटिंग बेटर एज आई एम डूइंग वट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू. For example, when I was working at GD Goenka, I tried to implement a system in library myself as no software was available to use, and I prepared a software on my own using Microsoft Excel application. Or you can give any tailor-made example here what you have actually done in the past. तो यहाँ पे कोई भी चीज़ जो आपने की हुई है पास्ट में, कोई भी आपने अचीवमेंट है आपकी, वो आप टेलर-मेड करके जो भी आपने काम किया है वो आप यहाँ पर बता सकते हो. उसके बाद आपको क्या कहना है, मूविंग फॉरवर्ड आई होप टू एक्सटेंड माई एक्सपीरियंस विद केंद्रीय विद्यालय संगठन विच इज़ वाई आई एम इंटरेस्टेड इन दिस जॉब. तो आपको ये कहना है कि जो भी आपने अभी तक नॉलेज गेन की है वो नॉलेज आप केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर अप्लाई करना चाहते हो. केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर आप आकर के केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ मिल करके उस काम को और ज़्यादा अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से करना चाहते हो और अपने आप को एक बेहतर प्रोफेशनल बनाना चाहते हो. तो ये इस तरीके से आपको अपना आंसर जो है वो प्रिपेयर करना है. अब यहाँ पर हमने किया क्या है, सबसे पहले तो आंसर बड़े ही अच्छे तरीके से टेलर मेड आंसर हमने बनाया. ऑफ टॉपिक हम कहीं नहीं गए, हम टॉपिक पे ही रहे हैं थ्रू आउट. आपने देखा होगा यहाँ पर स्टार्टिंग में मैंने बताया कि आई वाज माय नेम इज़ जयवीर सिंह एंड आई एम 27 ईयर्स ओल्ड. और उसके बाद में मैंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताया, यहाँ पर 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है जीडी गोयनका में. उसके बाद बताया गया यहाँ पर, मैंने अपने बारे में नहीं बताया, हालांकि मैंने भी टेलर मेड यहाँ पर आंसर बनाया इसका, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप समझने की कोशिश कीजिएगा. उसके बाद मैंने बताया कि मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ के अंदर है, इसीलिए मैंने उससे रिलेटेड एक डिग्री की है. कई बार आपसे ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि लाइब्रेरी साइंस प्रोफेशन ही क्यों चूज़ किया आपने, वाई एज ए लाइब्रेरी प्रोफेशनल यू वॉन्ट टू वर्क, वाई यू चूज़ दिस एज ए करियर. तो वहाँ पर इस तरीके का आंसर आप दे सकते हो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है बुक्स पढ़ना और जो बुक्स हैं उनसे नॉलेज लेना, गेन करना, जो मेरी सराउंडिंग में चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में जानना, है ना. मैं आप ये भी कह सकते हैं बुक वॉर्म, मैं एक बुक वॉर्म हूँ, किताबी कीड़ा हूँ जिसे किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है. उसके बारे में आप देखा होगा मैंने ये भी बोला है कि थ्रू आउट माई करियर आई हैव ऑब्जर्व दैट आई एम गेटिंग बेटर. कैसे बेटर हो रहा हूँ मैं, बिकॉज आई एम डूइंग वट आई लव टू डू, वट आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू. तो यहाँ पर ये मैंने मैंशन किया है. उसके बाद देखिए आप वहाँ पर जो मेरी अचीवमेंट रही, जो मैंने अलग से काम किया एट जीडी गोयनका वो यहाँ पे मेंशन किया है. उसके बाद में यहाँ बताया है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंदर मैं क्यों आना चाहता हूँ. तो हमने यहाँ पर क्या क्या कवर किया है, यहाँ पर बड़ा टेलर मेड आंसर है, अचीवमेंट्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया है, उसके बारे में आंसर दिया है एक्सपीरियंस और अचीवमेंट के बेसिस पे कि मेरे क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्या अचीवमेंट्स रही है. आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि 2 या 3 मिनट से ज़्यादा आपका आंसर नहीं होना चाहिए. और ये आंसर बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड आंसर है, पास्ट के बारे में भी बताता है, प्रेजेंट के बारे में भी बताता है, और लास्ट में एट लास्ट केंद्रीय विद्यालय के साथ मैं क्यों काम करना चाहता हूँ फ्यूचर के बारे में भी बताता है, ठीक है. अब एसेंशियल टिप्स मैं कुछ देना चाहूँगा आपको. जब ये आप क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो, इसका आंसर फ्रेम कर रहे हो, तब आपको क्या करना है, सबसे पहले कीप इट प्रोफेशनल एंड ब्रीफ. 1 या 2 मिनट से ज़्यादा आपका इंट्रोडक्शन नहीं होना चाहिए. वो आपकी पूरी एंटायर लाइफ की स्टोरी जानने के लिए वहाँ पर नहीं बैठे हैं. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया आपने कहाँ से स्कूलिंग की, कहाँ से क्या किया, नो दे आर नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल. वो इंटरेस्टेड किस चीज़ में है, दे आर मोर इंटरेस्टेड इन योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में ही आपको वहाँ पर डिस्कस करना है. और जो आपके जो मेन पॉइंट है, जो आपकी जॉब से रिलेटेड है, जॉब पे जो आपको काम करना है उस पर ही आपको टिके रहना है और बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से आपको जवाब देना है. अपने प्रोफेशन से बाहर नहीं जाना है, एक नाव से दूसरी नाव में मत कूदना. आपकी नाव है उसको आप सीमित करो और उस नाव के अंदर ही आपको रह करके वहाँ पर आगे चलना है, इस क्वेश्चन का आंसर फ्रेम करना है. उस नाव से आप बाहर जाओगे, पैर आपका पानी में जाएगा और आप डूब जाओगे. ये चीज़ आपको नहीं करनी है. जिस नाव में आप सवार हो उसी नाव में आप रहें. और एक छोटी सी टिप है आप लोगों के लिए, इफ़ यू कैन सी दैट द इंटरव्यूअर इज़ गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड. क्या बात, कई बार होता है ना कि इंटरव्यूअर बोर हो जाता है आपका आंसर सुनते सुनते. जितना लंबा आप आंसर बनाओगे ऑब्वियस सी बात है वो बोर होंगे, वो नहीं सुनना चाहते आपके बारे में इतना सब कुछ. उनके पास और भी कैंडिडेट्स आने वाले हैं, पूरा पैनल है उनके पास. आपसे पहले भी हो सकता है कैंडिडेट्स आए हों, आपके बाद भी हो सकता है कैंडिडेट्स आए, वो नहीं जानना चाहते, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है. उनको सिर्फ काम सौंपा गया है कि ये क्या इस पोस्ट के लिए सही फिट बैठता है बंदा या नहीं बैठता है, इसलिए उनको वहाँ पर बैठाया गया. तो वो उस पर्टिकुलर पोस्ट से रिलेटेड ही आप अगर अपने इंटरव्यू को रखेंगे, अपने इस आंसर को रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा. इससे बाहर जाएंगे तो आपके लिए वो एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है. तो जब भी आपको लगे कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं इंटरव्यू, तो आप फटाफट वाइंड अप करके अपने आंसर को कंप्लीट करके उसको खत्म कीजिए और अगला अपना जो क्वेश्चन है उसके लिए तैयार हो जाइए. सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको प्रैक्टिस करनी है. जो भी आपने क्वेश्चन बनाना है वो टेलर मेड ज़रूर होगा, लेकिन आपको उसको मेमोराइज़ नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना उसका. आपको उसको तरीके से लगातार पढ़ना है, उसके बारे में जानना, देखना है कि आपको क्या वहाँ पर डिस्कस करना है. तो आपको यहाँ पर रट्टा लगा करके नहीं जाना. रट्टा लगाओगे बीच में अटक जाओगे, गलत इंप्रेशन पड़ेगा. रट्टा लगा कर मत जाओ, सिर्फ
कुछ पॉइंट्स के, मुझे ये पॉइंट्स डिस्कस करने हैं, उन उन पॉइंट्स को याद करके जाओ कि मैं ये डिस्कस करूँगा, पहले अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में बताऊँगा, फिर बताऊँगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है, उस एक्सपीरियंस में मैंने क्या अचीव किया, और लास्ट में मैं आगे क्या करना चाहता हूँ और मेरा क्या इंटरेस्ट है। ये आप 3-4 पॉइंट्स बना करके जाइए, इन पॉइंट्स के अंतर्गत ही रहकर आपको उत्तर देना है, आपको अपना आंसर ड्राफ्ट करना है। अगर ये आप 3-4 पॉइंट्स बना करके जाओगे, आप बड़े ईजिली वहाँ पर, आपको कुछ भी याद नहीं होगा तो भी आपको ये याद रहेगा कि फर्स्ट स्टेप पर मुझे क्या डिस्कस करना है, मुझे अपनी क्वालिफिकेशन डिस्कस करनी है, फिर क्या डिस्कस करना है, फिर मेरी अचीवमेंट डिस्कस करनी है, फिर क्या डिस्कस करना है, एक्सपीरियंस डिस्कस करना है, एक्सपीरियंस पर मेरी क्या अचीवमेंट रही है वो डिस्कस करनी है, उसके बाद में मुझे क्या करना है, एट लास्ट अपना इंटरेस्ट बताना है, अपने इंटरेस्ट को डिस्कस करना है और अपनी हॉबीज को डिस्कस करना है। तो इस तरीके से आपको याद कर नहीं जाना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरव्यू कौन ले रहा है, कौन वहाँ पर बैठा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ पर कमिश्नर भी हो सकता है, असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर, दोनों में से एक होगा, एक प्रिंसिपल फॉर श्योर होगा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट फॉर श्योर होगा, और एक आप ही की तरह लाइब्रेरियन वहाँ पर ज़रूर होगा। तो यहाँ पर किस तरीके से, देखिए जो कमिश्नर है या असिस्टेंट कमिश्नर है, वो नहीं जानना चाहता कि आपको सब्जेक्ट की कितनी नॉलेज है, नहीं, वो बिल्कुल नहीं जानना चाहता, वो सिर्फ ये जानने में इंटरेस्टेड है कि आप किस तरीके से अपने वर्क प्लेस पर अपना बिहेव करोगे, किस तरीके से अपने वर्क प्लेस पर रहोगे, किस तरीके से बाकी लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन बना पाओगे या नहीं बना पाओगे, कोऑर्डिनेशन बना करके आप किस तरीके से आगे चल पाओगे, आपको कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो क्या आप उसको निभा पाओगे या नहीं निभा पाओगे, तो वो उस चीज़ को जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वो आपकी लाइब्रेरी साइंस की नॉलेज जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। तो वहाँ पर जब आप अपनी अचीवमेंट बताओगे तो वो आपकी अचीवमेंट ही आपके बारे में बताएंगी, जो आप अपने बारे में अचीवमेंट बताएंगे वही अचीवमेंट आपकी आपके बारे में वहाँ पर इंटरव्यूअर को, आपका जो इंटरव्यू लेने वाले कमिश्नर या असिस्टेंट कमिश्नर है उसको बताएंगी। क्योंकि मैंने जैसा कि बोला आपको, असिस्टेंट कमिश्नर या कमिश्नर जो है उनको नहीं पता लाइब्रेरी साइंस के बारे में, उनको नहीं पता कि क्लासिफिकेशन क्या है, कैटलॉगिंग क्या है, किस तरीके से आप क्लासिफाई करते हो, सीसी क्या है, कोलन क्लासिफिकेशन, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन क्या है, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन क्या है, उनको इस बारे में नहीं पता, उनको नहीं पता कि कौन से कैटलॉग कोड है, सीसीसी आप यूज़ कर रहे हो, ACR2 यूज़ कर रहे हो, उनको नहीं पता, उनको सिर्फ ये जानना है कि आप एज ए पर्सन कैसे हो, एज ए पर्सन, ये आप ध्यान रखिएगा, पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, आपकी क्वालिटीज़ की बात कर रहा हूँ, आपके जज्बे की बात कर रहा हूँ, आपकी पर्सनालिटी की बात कर रहा हूँ। तो ही इज़ मोर इंटरेस्टेड इन योर पर्सनालिटी रादर देन योर नॉलेज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे कि वहाँ पर मान लीजिए प्रिंसिपल बैठा है, लाइब्रेरियन बैठा है, तो वो ये जानना ज़रूर चाहेंगे कि आप किस तरीके से, आपको कोई काम दिया जाए तो आप वो काम पूरा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, आप वो काम जो है अच्छे तरीके से इनिशिएट कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, अच्छे तरीके से उसको फुलफिल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, तो वो ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। और जो लाइब्रेरियन वहाँ पर बैठा है या लाइब्रेरी एक्सपर्ट वहाँ पर बैठा है, वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे आपके जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में, तब आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वहाँ पर आपको उनके आंसर्स देने हैं। यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप प्रोफेशन पे स्ट्रिक्ट रहें। अब देखिए यहाँ पर WAP रूल है एक, वो आपको याद रखना है, वर्क, एकेडमिक एंड पर्सनल। तो आपको क्या क्या बताना है, वर्क से रिलेटेड, एकेडमिक जो आपका जो भी आपके अचीवमेंट्स रही हैं या एकेडमिक आपने जो जो डिग्रीज ली हैं उनके बारे में, आपके काम के बारे में, और आप पर्सनली कैसे इंसान हो उसके बारे में वहाँ पर पूछा जाता है। वर्क के बारे में मैक्सिमम 80% जो आपका आंसर होना चाहिए वो फोकस करना चाहिए जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है या फिर आपकी जो अकम्पलिशमेंट है उसके ऊपर, चाहे वो आपकी स्टडीज से रिलेटेड हो या फिर आपका जो भी आपने पिछली संस्था के अंदर या पिछली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम किया है उससे रिलेटेड हो, 80% आपका आंसर उससे रिलेटेड होना चाहिए, उसके अंदर 80% मटेरियल उसी का होना चाहिए, आपकी अचीवमेंट्स का, आपके एक्सपीरियंस का। 10-15% जो बोदर करते हैं वो करते हैं आपका जो एकेडमिक अचीवमेंट रही है आपकी, कॉलेज यूनिवर्सिटी वहाँ पे आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, 10-15% ये पार्ट होना चाहिए, और पर्सनल पार्ट बिल्कुल मिनिमम, एट लास्ट पर्सनल पार्ट होना चाहिए आपका 5-10%, इससे ज़्यादा आपके आंसर के अंदर आपका पर्सनल पार्ट जो है वो नहीं होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना, 80-10 और 10, या फिर 80-15 और 5, ये आपका रेशियो है, आप इस रेशियो को मेंटेन करें जब भी इस क्वेश्चन का आंसर फॉर्मुलेट कर रहे हो, इस क्वेश्चन का आंसर जब भी आप बना रहे हो, इस रेशियो को आपको याद रखना है, 80% आपका वर्क से रिलेटेड, 15% आपका एकेडमिक से रिलेटेड, एंड 5% आपका पर्सनल, आपकी जो लाइफ है या पर्सनली आप कैसे हो उससे रिलेटेड आपका कोई भी जो भी आप आंसर प्रिपेयर करेंगे वो होना चाहिए। ये आपको रूल जो है आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है, इस रूल को अगर आप सेट कर लेते हो तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़े ही अच्छे तरीके से आप वहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चंस जो हैं इस तरीके के भी आपसे पूछे जा सकते हैं आगे जा करके, जो आपका जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर जो आप आंसर देते हो, जो आपका आंसर रहता है उसके बेसिस पर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एक अच्छा इंटरव्यू ही क्या करता है, वो इस क्वेश्चन के अंदर ही ऐसा आंसर देता है कि उसी से रिलेटेड उससे लगातार क्वेश्चंस पूछे जाएँ। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को एक्सपीरियंस है और वो अपनी अचीवमेंट बताने के लिए वहाँ पर लग जाएगा, देखिए 15-20 मिनट से ज़्यादा आपसे नहीं लिए जाएंगे, कोई भी इंटरव्यूअर नहीं लेगा। अगर आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और काम करते हुए आपने कोई ऐसी चीज़ की हुई है जो वहाँ बताने लायक है, जो आपकी अचीवमेंट है, और आप इस क्वेश्चन के अंदर उस आंसर के अंदर ये ड्राफ्ट कर लेते हो, उस चीज़ को बता देते हो, तो आपका पूरा इंटरव्यू ही उसी तरफ घूम जाएगा। लाइक आपने बताया कि आपने एक सिस्टम डेवलप किया था पिछले स्कूल के अंदर, कुछ प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, आपने इस क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर दे दिया, टेल मी अबाउट योरसेल्फ के अंदर ही, तो आपका पूरा इंटरव्यू उसी की तरफ घूम जाएगा, और फिर आप बड़े ही अच्छे तरीके से इंटरव्यूअर को वहाँ पर
इंटरव्यूअर को आप इस तरीके से करोगे कि इंटरव्यूअर आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा जो आप उससे पूछवाना चाहते हो। तो एक अच्छा इंटरव्यू क्या करता है, वही चीज़ें बोलता है जो चीज़ें उसको बड़े ही अच्छे तरीके से पता हो, और उन्हीं चीज़ों के बारे में लगातार उनसे पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझसे क्या पूछा गया था, मुझसे पूछा गया था कि फर्स्ट पीएचडी किसने की थी लाइब्रेरी साइंस में इंडिया के अंदर, मैंने बताया किसने की थी। फिर मुझसे पूछा गया, ये उनका मानना था शायद, या फिर जो भी एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट वहाँ पे थे, कि मुझे शायद हो सकता है कि ना पता हो इस बारे में कि उनकी थीसिस का क्या नाम था। मैंने उनकी थीसिस का नाम भी बताया, ये भी बताया कि उनकी थीसिस क्या थी। उसके बाद में फिर मुझसे पूछा गया कि अपनी पीएचडी कंप्लीट करने के बाद में उन्होंने कहाँ पर काम किया। तो मुझे ये भी पता था कि आईसीएआर में उन्होंने काम किया, मुझे ये भी पता था कि एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है दिल्ली के अंदर, वहाँ पर उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। तो मुझे पूरी चेन पता थी कि क्या एक क्वेश्चन के अंदर से दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के अंदर से तीसरा क्वेश्चन, इस तरीके से वो क्वेश्चंस निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद में उनकी कोई अचीवमेंट नहीं रही, तो वहाँ पर वो एंड हो गया कि उन्होंने कहाँ पर काम स्टार्ट करना करना शुरू किया, वो मैंने बता दिया। ठीक है, एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड इन डेप्थ क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, इस तरीके से उनका एक पूरी रिसर्च का नाम था, मुझे पूरा याद था, बड़े अच्छे से याद था, क्योंकि उस टाइम पर मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था। फर्स्ट पीएचडी जिन्होंने की थी डीबी कृष्णा राव, तो पूरा उनके बारे में मैंने जानकारी एकत्रित की थी, ताकि अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है, मुझे पुटअप किया जाता है, तो मैं इस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर दे पाऊँ। आप सभी को शायद पता होगा कि जब एग्ज़ाम हुआ था, तो ऑल इंडिया एग्ज़ाम के अंदर मेरी सेकंड रैंक थी, 150 रैंक थी स्टैनली जोसेफ की, सेकंड मेरा नाम था तरुणपाल गांधी, और उसके बाद इंटरव्यू के बाद फर्स्ट रैंक मेरी थी तरुणपाल गांधी। तो इंटरव्यू और उसके जब मार्क्स कंबाइंड किए गए थे, तब तरुणपाल गांधी, आप वहाँ पर देख सकते हो, 2018 के अंदर मेरी टॉप रैंक थी। तो मैंने भी कुछ इस तरीके से ही फ्रेम किए थे अपने इंटरव्यू के क्वेश्चंस, कि मुझे पूरी चेन पता थी। तो अब यही सैम्पल दो मैं आपको दिखाता हूँ जो हमने बनाए हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल जो होगा वो किस तरीके से आंसर दे सकता है, जब उससे पूछा जाएगा टेल मी अबाउट योर सेल्फ, श्योर आई विल बी ग्लैड टू, आई एम लाइब्रेरियन फॉर अप टू 8 ईयर्स नाउ, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली वेयर आई स्कोर द मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स इन दैट सेशन एंड वाज एबल टू सिक्योर फर्स्ट पोजीशन एंड गोल्ड मेडल। इन द सेम ईयर आई मूव माई सेल्फ टू स्कूल एजुकेशन एंड जॉइन सचदेवा पब्लिक स्कूल एज ए लाइब्रेरियन, देयर आई प्रिपेयर्ड एंड डेवलप्ड ए वेबसाइट ऑफ माई ऑन for the students and provided the library services of the school to students doorstep through internet. After that, I was working as a librarian for CRPF school, where I started a mentorship program for the students as a librarian and provided all other library services for about 6 years. There I personally maintained and developed a software project and made sure everything went smoothly in terms of library goals, deadlines, budget and more. In my downtime, I enjoy reading about management, technology and stories. Since this job requires all three, I thought I would apply. I should apply. ओके okay? तो इस तरीके से एक एक्सपीरियंस आदमी जो होगा वो फ्रेम करेगा अपने आंसर को, अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में, वहाँ पर क्या अचीवमेंट रही है उसके बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में और वहाँ क्या अचीवमेंट रही है उसके बारे में, और एट लास्ट छोटा सा एक पोर्शन होगा कि मुझे क्या पसंद है, और वो भी वो अपनी जॉब से रिलेट करेगा। और एज ए ग्रेजुएट या फिर एक नए आप स्टूडेंट हो जो अभी अभी ग्रेजुएट होकर के आया है, वो किस तरीके से अपना आंसर फ्रेम कर सकता है, देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया है। माय नेम इज़ राहुल, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड एंड आई रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली विद अ बैचलर्स इन लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस। वाइल देयर आई लर्न ए लॉट ऑफ थ्योरी इन सब्जेक्ट्स लाइक लाइब्रेरी एंड सोसाइटी, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन, क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग एंड कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज। आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स कल्चरल ग्रुप एंड टुक पार्ट इन माई एक्टिविटीज लाइक थिएटर, डांस एंड पोएट्री। आई हैव ऑल्सो कम्प्लीटेड माई बैचलर्स डिग्री विद डिस्टिंक्शन। तो ये देखिए यहाँ पर इसने डिस्कस किया, थोड़ी सी यहाँ पर गलती हुई है, ग्रामेटिकल मिस्टेक है। वाइल वर्किंग देयर आना चाहिए था, यहाँ पर वर्किंग बीच में से हटा हुआ है। वाइल स्टडिंग देयर या हाँ वाइल स्टडिंग देयर आई लर्न ए लॉट ऑफ थ्योरी इन सब्जेक्ट्स, ये आना चाहिए था यहाँ पर, वो स्टडिंग आई थिंक मिस हो गया यहाँ पर, तो आप इसको देख सकते हैं और अपने अकॉर्डिंगली जो भी वर्ड्स मिसिंग है उनको वहाँ पर डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आई हैव वर्क हार्ड इन माई एजुकेशन एंड आई एम रेडी टू अप्लाई माई नॉलेज इन टू प्रैक्टिस। उसके बाद क्या कहा है उसने, कि मैंने बहुत अच्छे से अपनी मेहनत की है, एजुकेशन पूरी की है, और अब मैं रेडी हूँ अपनी नॉलेज को अप्लाई करने के लिए, उसकी प्रैक्टिस करने के लिए। वाइल आई डोंट हैव एनी रियल लाइफ वर्क एक्सपीरियंस, आई हैव हैड ए लॉट ऑफ एक्सपोजर टू द लाइब्रेरी एनवायरमेंट ड्यूरिंग माई स्टडीज, आई यूज टू विजिट दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी एंड ऑल्सो माई कॉलेज लाइब्रेरी वेरी फ्रीक्वेंटली। तो यहाँ पे ये भी कह रहा है बताया कि मैं फ्रीक्वेंटली विजिट करता रहा हूँ लाइब्रेरी के अंदर, हालांकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, बट मैं जानता हूँ कि लाइब्रेरी के अंदर काम किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, एज ए प्रोफेशनल हमें ये बताना पड़ेगा वहाँ पर कि हमें हमारा इंटरेस्ट क्यों है। नाउ आई एम लुकिंग टू लिवरेज एवरीथिंग आई हैव लर्न इन यूनिवर्सिटी एंड गेट सम हैंड्स ऑन विद वर्क एक्सपीरियंस विद केंद्रीय विद्यालय संगठन। और अब ये क्या कह रहा है लास्ट पे एट लास्ट, कि जो भी मैंने नॉलेज गेन की है, जो भी मेरे पास में नॉलेज है, मैं उसे अप्लाई करना चाहता हूँ अपने 100% देने के बाद में, अपना 200% देने के बाद में केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ में। तो इस तरीके से एक आंसर आप फ्रेम कर सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और हमें बता सकते हो कि इस तरीके के कौन कौन से क्वेश्चन हैं जहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है, उन क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको प्रिपेयर करके एक पीपीटी के थ्रू यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूँगा। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि इन्फोब्रेरी जो हमारा जस्ट आस्क एनीथिंग चैनल है, यूट्यूब चैनल, उसके ऊपर हम इस तरीके की वीडियोज़ और भी लेकर के आते रहें जो आपके लिए हेल्पफुल हों, आपके बेनिफिट के लिए हों। लेकिन आप लोगों को हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, जब तक आप हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं तब तक यहाँ पर जो बनाने वाला है वीडियो या जो भी कंटेंट इकट्ठा करने वाला है, कंटेंट तैयार करने वाला है, उसको एक तो मोटिवेशन नहीं मिलती।
मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मोटिवेट करें। आप जितना ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा और उतनी ही बेहतर वीडियोज़, उतनी ही अच्छी वीडियोज़ हम यहाँ पर आपके लिए बनाकर लेकर आते रहेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।